नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ एनकाउंटर विद आलोक, स्पॉन्सर्ड बाय जोजो डीएमसी, विच इज अ डेस्टिनेशन मैनेजमेंट बेस्ड कंपनी आउट इन लंदन एंड स्कॉटलैंड। आज जो हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं और जो हम शुरुआत करेंगे, आज एक मुहिम जोड़ेंगे स्कॉटलैंड से और लंदन से। लंदन से ऑलरेडी मुहिम जुड़ चुकी है। ये एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज एक स्पेशल एपिसोड हमने रखा है। हमारे पास मेहमान भी आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को लेकर सीबीआई जांच जारी है और इस मिस्ट्री को सुलझाने के दौरान ये केस कई रहस्यों से पर्दा उठाते हुए आगे बढ़ रहा है। चाहे वो बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन हो या फिर बॉलीवुड में नेपोटिज्म या आउटसाइडर के खिलाफ गोलबंदी के कई मुद्दे सामने आए हैं, पूरा देश हैरान है। सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई या उनकी हत्या की गई, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान जो मुख्तलिफ सवाल सामने आए वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम इसी प्रकार इस काव्यान से अपने दर्शकों को जोड़ना चाहेंगे, सीमा गौर साजवान, निधि द्विवेदी, चंदा झा, और हमारे साथ बाद में वाणी जी जुड़ेंगी और रेखा जी जुड़ेंगी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी मेहमानों का। नमस्कार, प्रणाम करता हूं आप लोगों को। नमस्कार आलोक जी, नमस्ते। कैसी हैं चंदा जी, कैसी हैं सीमा जी, और कैसी हैं निधि जी? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं बताना चाहूंगा कि चंदा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये लंदन से इस मुहिम से जुड़ी हुई हैं। निधि जी काफी एडनबरा से और काफी इस केस को फॉलो कर रही हैं एडनबरा से, और इन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि इस मुहिम से हम क्यों नहीं आलोक जुड़ते हैं। और सीमा जी जो कि सुशांत की सिस्टर की कलीग रह चुकी हैं नीतू की, क्योंकि ये खुद ही एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जसपाल राणा के साथ भी इन्होंने ट्रेनिंग की है। तो मैं इसी से आप लोग का अभिनंदन करते हुए मैं सवालों के दौरे पे चलना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से यही रहेगा कि जो बॉलीवुड लोगों के भरोसे और पैसे के बल पर अरबों खरबों कमा रहा है, क्या इस प्रकरण से ड्रग्स कनेक्शन उनकी विश्वसनीयता पर, उनके भरोसे पर सवाल नहीं उठाता? क्योंकि हम बॉलीवुड से सिर्फ सीखते ही नहीं है, हम इससे महसूस भी करते हैं। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि बॉलीवुड क्या है, इससे हम बहुत कुछ सीख मिलती है। तो इस पे आपका क्या प्रकरण है? चंदा जी आप स्टार्ट कीजिए। मैं चाहूंगी आलोक जी आप सीमा जी से पहले शुरुआत करें, क्योंकि वो ज्यादा मतलब उनके फैमिली के एक मेंबर से जुड़ी, मतलब उनके साथ जी, काम की हुई है। तो सीमा जी आप प्लीज पहले शुरू कीजिए। देखिए, मैं बॉलीवुड के बारे में तो इतना ज़्यादा जानती नहीं और ना मैं उनके बारे में कुछ कमेंट कर सकती हूँ। ऑब्वियसली जैसे आलोक ने कहा कि हम लोग उनसे सीखते भी है, वो हमारी एंटरटेनमेंट के लिए ही है, हम बच्चों को भी इसमें दिखाते हैं कि क्या आ रहा है। बॉलीवुड में कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। रही बात सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से, जितना मैं उनके सारे मेंबर्स को तो नहीं जानती, बट उनकी जो सिस्टर है मीतू सिंह, वो मेरे साथ मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और स्कूल में थी, और जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो बहुत ही अच्छी थी। और उनके फैमिली के बारे में जैसे हमें पता है कि वे देवर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, लेकिन उनको कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया कि वो एक एक्टर की सिस्टर है। तो उसके बारे में बाकी फैमिली मेंबर जो उनकी सिस्टर्स वगैरह, उनको मैं नहीं जानती इतना, बट जितना उनसे हमें पता चला कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और ऑब्वियसली अभी इस वक्त पूरी इंडिया के पूरा वर्ल्ड उनके साथ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके विचार चंदा जी इस पर? जी, जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड सिर्फ एक मनोरंजन या एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, ये आने वाले जनरेशन्स को, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है और जो हमारे माता पिता के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, उस समय से ये कहा जा सकता है कि बहुत बदलाव आया है और बहुत बड़ा हर जगह से बदलाव आया है। ऑब्वियसली जैसे आपने शुरुआत में कहा कि नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स को प्रेफरेंस नहीं देना, ये चीजें तो मेरे ख्याल से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं,
ये आप जीवन के जिस भी पड़ाव में आप देखेंगे ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बॉलीवुड इससे कोई अछूता नहीं रहा है। और बस मैं यही कहना, मतलब मुझे बॉलीवुड के बारे में जितना जानकारी है वो यही है कि हम लोग बिहार, मतलब हम सब लोग बिहार से भी जुड़े हुए हैं, बिहार से भी आते हैं। प्रकाश झा जी का नाम तो आप उनके फिल्में उठा के देख लीजिए, प्रकाश झा जी की जो फिल्में रहती हैं वो कोई ना कोई सामाजिक एक आप कह सकते हैं कि जी उसमें कोई एक मैसेज रहता है, उसमें कोई संदेश रहता है। ऑल्दो उनके जो मूवीज रहती हैं वो राजनीति से प्रेरित, सबसे पहली फिल्म जो उन्होंने बनाई थी वो थी दामुल। तो दामुल भी जो था उसका बैकग्राउंड उन्होंने बिहार में ही पूरी शूटिंग की थी। और उसके बाद उन्होंने उनके जो मूवीज आप देखेंगे तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा मतलब वॉयलेंस नहीं दिखाते या पूरी एकदम बच्चों के लिए साफ सुथरी, लेकिन उसमें एक मैसेज होता है। उनकी जो मूवीज होती है उसमें कंटेंट होता है, वो मूवीज बच्चों के साथ आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आज का जो सिनेरियो है बॉलीवुड का, क्योंकि हम लोग इंडिया हो या कहीं भी दुनिया में जो हमारे भारतीय लोग हैं वो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो जो बॉलीवुड है वो भी इस वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, वो भी वेस्टर्न कल्चर का जो उनके जो गाने हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनका जो मूवी बनाने का ढंग है, वो सब बहुत ही आप कह सकते हैं कि फॉलो करते हैं, या अगर छोटा वर्ड यूज किया जाए तो कॉपी करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मूवी का एक्चुअल जो सार होता है, एक्चुअल जो मनोरंजन के लिए हम मूवी देखते हैं, वो मनोरंजन वाला पर्पस आज के डेट में, आज के टाइम में देखने के लिए नहीं मिलता है। वो एक तरह से लुप्त होता जा रहा है और उसको टेक ओवर कर लिया है बाकी चकाचौंध ने, बाकी आप कह सकते हैं कि जो मतलब आजकल की फिल्में देख के ना आप बस एक ही बार देखने का आपका मन करता है। पुरानी फिल्म, ये सभी जितने भी हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हम सब लोग अग्री करेंगे कि आप पुरानी फिल्में जब देखने बैठते हैं तो आपको एक आनंद आता है, आपको एक सुकून मिलता है, आपको एक लगता है कि हाँ आज आपने कोई एक अच्छी मूवी देखी है। और आजकल की मूवी आप उठा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल भी बस देखने के लिए आपने देख लिया या कुछ और करने के लिए नहीं है तो मनोरंजन के लिए आपने मूवी देख ली। तो मेरा बस यही कहना है कि बॉलीवुड पहले से अभी बहुत चेंज हो गया है और इस चेंज का हम सब पर भी बहुत असर पड़ रहा है। अडल्ट हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, आजकल के बुजुर्ग तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते हैं आज अभी के समय के मूवीज के साथ में। वो अपना जमाना याद करते हैं, वो अपने जमाने की मूवीज और अपने जमाने के एक्टर्स को ही याद करते हैं। हर चीज का एक जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं, तो हर चीज का एक अच्छा और एक बुरा इम्पैक्ट होता है। तो उसी उसी कह सकते हैं क्रम में हम सभी भी आगे बढ़ रहे हैं। बस मेरा बॉलीवुड से रिलेटेड इतना ही कहना है। देखिए, जैसे होता क्या था कि पहले हम जब पहले पिक्चरें देखा करते थे, कुछ होता था, और लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, वी आर एंटरिंग द 20th century। तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या हम अपने संस्कार भूल जाएं? पहले होता था कि पहले जब लड़का आता था, माता पिता को देखे, बाबा दादी को देखे, तो चरण स्पर्श करता था, छोटा सा एग्जाम्पल। आज वो गले मिलते हैं, अच्छा चीज है, गला मिलना चाहिए आदमी को, इंसान जो भी है, लेकिन अब गले से भी ज्यादा अब शेक हैंड तक पहुंच गया है। तो ये जो हम इनसे क्या सीख मिले, हाय डैड, मतलब आजकल का नया जमाना हो गया है, डैड मॉम हो गई है, माताश्री से मम्मी, मम्मी से मॉम, नहीं, लोगों को बदलाव करना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। लेकिन आजकल के डेट में आप यही देखिए, छोटा छोटा एग्जाम्पल, मैं सीमा जी को एक चीज पे बड़ा बधाई देना चाहूंगा कि ये एक्चुअल में जो बच्चों को संस्कार देना था, ये अपने बच्चों को, ये भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, यहां से इंडिया ले गई, उनको संस्कार दिया, फिर जब देखा कि सब कुछ सीख गए वो बच्चे, तो वो फिर वो इंडिया से वापस यहाँ आई कि नहीं, अब तो क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया उन बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है, मैं लोगों को देख रहा हूं, प्लस आप लोग जो संस्कार दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ मेरे जो मित्रगण हैं और मैं देख रहा हूं कि वो नहीं हो, मतलब हो नहीं पा रहा है। अब निधि की बेटी को आप ले लीजिए, आर्या, वो ऐसा ऐसा मंत्र बोलती जो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता हूं,
ये सरवानी जी भी जुड़ रही हमारे साथ जी, उन्हीं को हम लोग जी उनका छोटा नाम करके वानी बुलाते हैं। उनका नाम वानी जी, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। आलोक सिंह एनकाउंटर विद आलोक से आपका क्या हाल और समाचार कैसी हैं? नमस्ते आलोक जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपका मैं परिचय करवा दूं, ये निधि द्विवेदी हैं एडनबरा से, सीमा गौर साजवान ये हैं ग्लासगो से, और चंदा जी से आप नमस्ते जी। जी नमस्ते, मेरा नमस्ते। नहीं बहुत बढ़िया, मैं बता दूं वानी जी ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं और टीचर भी हैं, और ये शामक दावर के ग्रुप में भी इन्होंने कोलैबोरेशन में डांसेज और सिखाए परफॉर्म किया है। बहुत बढ़िया वानी जी। हमारा आज का मुहिम जो है, हम सुशांत सिंह राजपूत से केस से जुड़े हुए, हम स्कॉटलैंड से, क्योंकि आप लोग लंदन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कार्य, और मुझे पता चला कि रश्मि जी भी आने वाली थी शो पे, लेकिन वो आज एक रैली निकाल रही हैं सुशांत के नाम पे। तो 24 या 25 कारें, आई डोंट नो कौन सा जगह, 35 कार। ओ वाओ, वेरी वेरी गुड, सॉरी माय अपोलॉजीज, 35 कारें, बहुत बढ़िया। देखिए, क्योंकि एक होनहार लड़का जो मींस एक्चुअल में टैलेंटेड कहते हैं, टैलेंटेड लड़के, वो कैसे दबाया गया, इसी सब चीजों पे हम अभी बहस कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा सवाल जो जाते हुए, निधि जी आप कोई प्रक्रिया देनी चाहेंगी उसके बारे में? सी आलोक, जैसा मैं फुल्ली अग्री हूँ चंदा जी से, सीमा जी से, डेफिनेटली जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं बॉलीवुड की मूवीज, हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। इनफैक्ट हमारे बच्चे भी आज भी होते हैं, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि इट्स ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट जी। बॉलीवुड सिर्फ अब एक बिजनेस रह गया है उन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट का मतलब उन्होंने बदल दिया है पहले से बिल्कुल। उन्हें अपना अपनी जेबें भरनी है, अब वो क्या दिखा के जेबें भरनी है उनको ये पता है कि हम इंडियंस ज्यादातर, जैसे कि चंदा जी ने भी बोला और सीमा जी ने भी बोला, कि हम वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं डे बाय डे। एंड स्पेशली जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया के अकॉर्डिंगली पहले जैसा कल्चर नहीं है, उसको हम ज्यादा अपना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड भी ये समझ चुका है कि क्या किस चीज में हम एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, और उससे वो अपने जेबें भर रहे हैं, जो कि हमारे कल्चर को दबाता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा है और शायद आगे भी पढ़ने वाला है, जिसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बहुत सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का जब मैं आपके सामने रखूं, पहले वानी जी इसका अगर संज्ञान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या जैसे अभी चंदा जी बात कर रही थी नेपोटिज्म का, तो मेरा सवाल नेपोटिज्म से ही होगा। क्या सुशांत जैसे एक्टर्स जो अपने बलबूते पे इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं और उनके साथ मतभेद होता है, क्योंकि नेपोटिज्म को लेकर भी एक बड़ा आरोप इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स पर लगता है, तो क्या आप इस पे क्या प्रक्रिया देनी चाहेंगे वाणी जी? बिल्कुल, अभी डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं नेपोटिज्म तो देखिए हर फील्ड में तो है ही, ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आप कुछ इंटरव्यूज में आपने देखा होगा सुशांत भी नेपोटिज्म के बारे में वो बात कर रहे थे, और एक इंटरव्यू मैंने सुशांत को सेम वही नेपोटिज्म के बारे में कहते हुए, मैंने दो इंटरव्यूज मैंने सुशांत के मैंने फॉलो किए हैं, जिसमें एक इंटरव्यू में वो बड़े हंसते हुए उन्होंने नेपोटिज्म के बारे में बोला था, और एक आईफा का इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें उनका बॉडी लैंग्वेज नेपोटिज्म को लेके चेंज हो गया था, जिसमें वो काफी गंभीरता से उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। तो जब पहले वाले इंटरव्यू में वो हंसते हुए नेपोटिज्म को ले रहे थे, उसमें मुझे लगा कि वो उस समय शायद उतना नहीं उन्होंने फेस किया था शायद, और वो उसको लाइटली ले रहे थे। बट जब आईफा केस में जब वो बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो शायद उसको और ज्यादा इससे देख रहे थे कि उन्होंने शायद और ज्यादा फेस किया हुआ था उसको। तो
वो बॉडी लैंग्वेज में जो चेंज था और उनके जो वॉइस में जो वो मॉड्यूलेशन जो वो लेके आए थे उस इसमें, तो उसमें वो पता चल रहा था कि हाउ बैडली ही वॉज फेसिंग इट. तो उसमें दिख रहा था कि ही वॉज इन पेन. तो वो है, काफी है नेपोटिज्म, और ये जो चल रहा है, जो गंदगी चल रहा है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हम फैंस भी हैं उसके जिम्मेदार, क्योंकि हम हमेशा ये शाहरुख खान, सलमान खान, इन्हीं का हम मूवीज देख रहे हैं. अभी मैं देख रही हूँ कि विद्युत जामवाल हैं या कार्तिक आर्यन हैं या नए जो स्टार्स हैं, हम उनकी मूवीज हम नहीं देख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं उसके लिए कि हम क्यों बार बार वही एक्टर्स की मूवी हम 10 बार जाके थिएटर्स में देखते हैं, जबकि हम ये नए एक्टर्स का मूवी नहीं देख रहे हैं. तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार हैं इस चीज को लेके. तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है कि हमें खुद एक अलर्ट होना है. अब ये शायद सुशांत के केस से एक हमारे लिए भी अवेयरनेस है कि वी हैव टू बी मोर अलर्ट एंड चूज कि हमें किसका मूवीज पिक करना चाहिए और किसका नहीं. तो ये नेपोटिज्म हमें खत्म करना है. बिल्कुल. तो इट्स आर ड्यूटी नाउ दैट वी हैव टू स्टॉप दिस नेपोटिज्म थिंग. तो अभी मैं खुद बॉयकॉट कर रही हूँ बॉलीवुड को, और बाय सेइंग बॉयकॉट बॉलीवुड डजंट मीन पूरा का पूरा बॉलीवुड. वी हैव टू गिव नाउ अ फ्रेश चांस टू द न्यू कमर्स कि हमें न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए. लेट द न्यू फ्रेश फेसेस कम अप. एंड अभी ये बॉयकॉट बॉलीवुड करते वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें एक और सुशांत क्रिएट कर देना है. तो दैट मीन्स कि हम अब नए चांसेस हमें उन लोगों को दें, हम उनकी मूवीज देखें जो नए टैलेंट्स हैं. तो अब मैं विद्युत जामवाल की मूवी देख रही हूँ, जो सच अ ग्रेट एक्टर, इतना अच्छा टैलेंट है उस एक्टर में, जिसकी मूवीज को शायद कोई प्रमोशन मिलती नहीं है. क्यों नहीं मिलती है उस एक्टर को इतनी मूवी की प्रमोशन? वो हॉटस्टार का जो मैं देख रही थी प्रमोशन जब हो रहा था, जब हॉटस्टार की सारी मूवीज की जब आ रही थी कि हॉटस्टार पे ये मूवीज आ रही हैं, वो सारे एक्टर्स को बुलाया गया था, जबकि विद्युत जामवाल को नहीं बुलाया गया था उस प्रमोशन के इसमें, क्योंकि ही इज नॉट अ बिग स्टार. और उसने बहिष्कार किया था हॉटस्टार के इसमें अपने मूवी के प्रमोशन में, क्योंकि उसने कहा था क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ, एक टॉप एक्टर नहीं हूँ, आपने मुझे उसके प्रमोशन में नहीं बुलाया. तो आप देख सकते हैं कि कैसे उसने उस इसमें प्रमोशन में अक्षय कुमार जी को बुलाया गया था, बाकी सारे टॉप एक्टर्स जो हॉटस्टार के उस समय इसमें बुला रहे थे, उसमें विद्युत जामवाल जी को नहीं बुलाया गया था. तो इस तरह से उन लोग बहिष्कार करते हैं एक नए एक्टर का आगे आने के लिए. तो वो सुशांत भी फेस कर रहा था उस समय. तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे एक नए एक्टर को हमें आगे लेके आना चाहिए. बिल्कुल. तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एक फैंस के ऊपर डिपेंड करता है. और मुझे बहुत ही खेद होता है कि जब सुशांत जिंदा थे तब मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में नहीं थी, मैं इंस्टाग्राम में नहीं थी, मैं ट्विटर पे नहीं थी, मैं सिर्फ फेसबुक पे थी. और सुशांत के मरने के बाद मैंने ये सारे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए ताकि मैं ये मुहिम में ज्वाइन हो सकूं कि मैं इंसाफ दिला सकूं सुशांत को. तो मुझे ये बहुत ही दुख होता है कि मैं पहले क्यों नहीं ये सब प्लेटफॉर्म्स में ज्वाइन हो सकी ताकि मैं सुशांत को उस समय बता सकती कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन थी. सही. और अब मैंने ये सब बट ऑफ कोर्स ही इज नो मोर नाउ. तो मैं उनको शायद कभी ये बता भी नहीं पाऊंगी कि आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हिम. वाणी जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि किसी भी फील्ड में, बॉलीवुड हो या किसी भी फील्ड में, इंसान को उसके काबिलियत पे, उसके टैलेंट पे आप आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ना कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड में किसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं. आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस
बॉलीवुड को एक तरह से ना लोगों ने जो पुराने जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है सॉरी ऐसा फील कराते हैं कि जैसे ये हमारे पुश्तों से चली आ रही एक प्रॉपर्टी है और हमारे बच्चों को हम विरासत में ये दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को, ये कोई नहीं कह रहा है कि बॉलीवुड के जो पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए, जरूर मौका दीजिए, लेकिन उनके टैलेंट पर इसलिए नहीं मौका दीजिए कि क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं या वो हेमा मालिनी के बच्चे हैं। आप उनके टैलेंट के बेसिस पे उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। किसी को ये फील मत कराइए कि आप आउटसाइडर है। उतना ही रेस्पेक्ट आप पोडियम पे जब आप आईफा अवार्ड्स में जाते हैं, जैसे वाणी जी ने कहा, ये इंटरव्यू मैंने भी फॉलो किया था सुशांत जी का, और वो बहुत ज्यादा आईफा वाले अवार्ड के टाइम पे बहुत नर्वस थे। उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सवाल को एक तो जवाब देने के इसमें नहीं थे, उन्हें जवाब देने का मन नहीं कर रहा था। दूसरा, क्योंकि इंसान जब किसी चीज से भागता है, इस टॉपिक से वो भागना चाह रहे थे, उनको लग रहा था कि जब सारी दुनिया नेपोटिज्म या फिर फेवरेटिज्म और इस सारी चीजों को समझती है, जानती है, तो ये सवाल क्यों बार बार ले आया जाता है। सुशांत जी की जो मूवी थी सोनची रैया, ऑल्दो वो एक बहुत कमर्शियल मूवी नहीं थी, लेकिन आप इंस्टा के उनके अकाउंट में जाके देखेंगे तो वो लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि मेरी ये मूवी सोनची रैया देखिए, आपको जरूर ये पसंद आएगी, आपको ये बहुत, क्योंकि उसमें मनोज बाजपेयी जैसे इतने मंझे हुए कलाकार थे, भूमि पेडनेकर जिनके पीछे कोई ऐसे स्टार एक्टर एक्ट्रेसेस माँ बाप नहीं है, वो इस मूवी में काम की हुई है। तो आज जैसे आज फैंस ने ये नौबत ला दी है कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को हाथ जोड़कर अपने मूवी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। काश कि सुशांत जब जिंदा रहते और चीजें नॉर्मल जो कि आज के सिनेरियो में हो रही है वो तब रहती कि आउटसाइडर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता, और जस्ट बिकॉज वो फेमस लोगों के बच्चे हैं इस वजह से उनको बॉलीवुड में चांस मिल रहा है, ये नहीं होता तो आज सुशांत को हम लोग मतलब उनको नहीं खोते और आज वो हम सबके बीच में होते। बहुत बढ़िया। सीमा जी, आपके प्रक्रिया जानना चाहूंगा मैं इस पे। देखो, नेपोटिज्म के बारे में तो मैं यही एग्री करूंगी निधि वाणी जी और इनकी बातों से, श्रावणी जी आपने भी कुछ कहा है पहले, तो उसमें यही है कि बॉलीवुड को ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, किस एक्टर और एक्ट्रेस के बच्चे हैं वो। ऑब्वियसली अगर फॉर एन एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन है, ठीक है, डेफिनेटली 100% भी कहेंगे कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, धर्मेंद्र एक्टर थे, जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे ही इतने अच्छे एक्टर होंगे। रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने अपना फर्स्ट सीरियल शुरू किया था टीवी का, और पवित्र रिश्ता, मैंने पहले कभी पवित्र रिश्ता नहीं देखा, आजकल मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अगर आप सच्ची में उस सीरियल को देखोगे ना तो रोने लग जाओगे, उसमें ट्रूली लव और उसकी जो जो उसका रियल कैरेक्टर रियल लाइफ में है सुशांत सिंह राजपूत का, जितना मुझे उनके सिस्टर से पता चला है, वो सच्ची में ही वैसा ही उनका नेचर था। और इन लोगों ने, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, मैं ये कहूँगी कि ही इज फुल ऑफ एवरीथिंग, गुड एक्टर, गुड सिंगर, क्या कहते हैं, हैंड राइटिंग में देखो वो दोनों लेफ्ट एंड बोथ राइट से रहते, और ही वॉज अ गुड एस्ट्रोनॉमर और इंटेलिजेंट, पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो ऐसा मैंने अभी तक जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स देखे हैं, मुझे नहीं लगता इतना फुल ऑफ एवरीथिंग किसी एक एक्टर में होगा। और डेफिनेटली नेपोटिज्म यहाँ पे इसलिए हिट किया है क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो अभी जिंदा होते हमारे बीच में तो डेफिनेटली ही वुड बी ऑन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज उन्हें देखो उनके फॉरेन शूट्स हुए हैं, इतने सारे उन्होंने एड्स करे हैं फोटोशूट्स में, तो मे बी कह नहीं सकते बॉलीवुड में हम तो है नहीं, लेकिन जितना हमें मीडिया के थ्रू भी और जितना हम वॉच करते हैं फॉलो करते हैं सभी जगह, उसमें यही पता चलता है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा एक्टर आगे आए क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसने अपने
टैलेंट, अपनी इंटेलिजेंसी और अपनी सब जो भी उसमें नॉलेज थी उसके प्रति ही वो उसने इतने कम समय पे इतने ऊपर पहुंच गया था. और आई थिंक वो लोग शायद नए लोग डर रहे थे कि मे बी वो हमसे और ऊपर चला जाए, तो इसलिए उसका शायद इनडायरेक्ट वे में उसको बॉयकॉट किया जा रहा था. इट्स काइंड ऑफ जस्ट व्हाट यू कॉल से इट्स नेपोटिज्म. बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि मैं न्यूज सुन रहा था, देख रहा था, और काफी टीवी में उनको कितने कई फिल्मों से हटाया गया. अगर आप देखेंगी हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन कपूर को लिया गया, लेकिन पहले उनका रोल था. इतने सारे मीन्स बड़े बड़े पिक्चरों से हराया गया. बेफिक्रे में भी शायद इनको इनका मेन लीड था, लेकिन ये 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 समझ में पहले तो नहीं आ रहा था. लेकिन जब आलोक, मैं ये कहना चाहूंगी जो ड्राइव मूवी है वो मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज कराई गई जबरदस्ती ये कह के कि सुशांत इज नॉट अ ग्रेट एक्टर, एंड आई थिंक उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे रिलीज करने के लिए. बताइए, दैट वाज रियली दैट इज शॉकिंग. मतलब मैं सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी पहली मूवी से मैंने जो भी उनकी मूवीज देखी है मुझे एक भी ऐसी मूवी ऐसी नहीं लगी जो कि जिसको देख के डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बोले कि हम इनकी मूवी रिलीज नहीं करा सकते बिकॉज जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं उनको शायद प्रॉफिट नहीं होगा या पता नहीं वही उनकी जेबें नहीं भरेंगी. तो इट वॉज शॉकिंग कि नेटफ्लिक्स पे डेफिनेटली अगर एक टैलेंटेड पर्सन है और उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो आई डोंट नो डिप्रेशन भी वो उनकी स्टोरी बनाई गई है बिकॉज द पर्सन इज नो मोर. तो मिस्ट्री रिमेन्स. आई डोंट नो कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. डेफिनेटली कुछ मिस्ट्री है जो कि वो जस्टिस होनी चाहिए उनके साथ. लेकिन ये है कि जो ये बॉलीवुड गैंग कह जाते हैं और डेफिनेटली माफियाज वो नेपोटिज्म से रिलेटेड हैं. ऑल्दो मैं ये मानती हूँ कि नेपोटिज्म हमेशा नेगेटिव नहीं होता. अगर मैं एक बिजनेस की ओनर हूँ और अगर मेरा बच्चा केपेबल है तो आई विल डेफिनेटली पुश कि मेरा बच्चा उस बिजनेस में हो और आगे बढ़े. बट अगर मुझे ये पता है कि मेरा बच्चा केपेबल नहीं है तो आई विल नॉट यू नो इन्फ्लुएंस और उसको पुश नहीं करूंगी कि वो टेक ओवर करे उस बिजनेस का. यही मुझे नेपोटिज्म से बस यही शिकायत है कि अगर कोई एक एक्टर है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसका बच्चा अगर सिर्फ गुड लुक्स है डांस करता है और जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स के पास पैसा है तो वो एक्टर बन जाए, ये जरूरी नहीं है. और जैसा कि शर्वानी जी ने बोला कि हम फैंस को ये बिकॉज हम लोग एक बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं बॉलीवुड के लिए. अगर हम मूवी नहीं देख रहे हैं तो उनकी मूवी कैसे चलेगी चाहे वो कितने भी बड़े एक्टर्स हो. इफ वी आर नॉट वॉचिंग दोज मूवीज वो मूवीज कहाँ से प्रॉफिट करेंगे. तो इट्स ऑन अस कि हम वो मूवी देखना चाहते हैं. हम नए विद्युत जामवाल डेफिनेटली सरवानी जी ही इज एन अमेजिंग एक्टर और उसने अपने बॉडी पे अपने डांस पे अपने मूव्स पे इनफैक्ट आई थिंक वो टाइकोंडो या आई एम नॉट श्योर कि वो आई वुड से ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन. डेफिनेटली डेफिनेटली सो I don't know. Nepotism, मेरे हिसाब से it's not always negative, but हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं already जो established actor हैं उनको ये समझना चाहिए कि whether my daughter or son are they capable of going into that market. If not, उनको नहीं push करना चाहिए. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं निधि जी. मैं याद है मुझे कि हमारा परिवार और आपका परिवार एमएस धोनी एक साथ मिलके देखा और मैं उस समय से मैं सुशांत का हार्डकोर जो बोलते हैं फैन हो गया, क्योंकि जिस तरह से उसने एक्टिंग की थी, जिस तरह से उसने रोल प्ले किया था, वो लग ही नहीं रहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत, लग रहा था कि वो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं. मतलब उसने धोनी की लाइफ जी थी उस मूवी में. बिल्कुल. आप मैं एक्चुअल जब धोनी से पूछा गया तो उसने बोला कि मैं बैठूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसे क्या करता हूं, उस हिसाब से इसने किया. इसलिए महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत उससे करीब थे. डेफिनेटली.
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और सीमा जी की बात से भी मैं मींस सहमत हूं कि आप पवित्र रिश्ता देखिए, मैं भी अभी फॉलो कर रहा हूं, पहले मैंने भी नहीं देखा था। वाकई उस सीरियल को देखने के बाद लगता है कि कितना टैलेंटेड आदमी, और वो नेचुरल एक्टिंग करता है, ये नहीं कि जबकि वो उसकी पहली पहली शुरुआत थी। जी नहीं नहीं, उसका एक और सीरियल था, किस देश में है मेरा दिल, मेरा उसका फर्स्ट सीरियल है, वो मैंने देखा था। उसका रोल छोटा ही था लेकिन अमेजिंग था, और उसने उसकी डेथ दिखाई थी, उसके बाद फैंस ने कहा था कि उसे वापस लाओ, काइंड ऑफ मूवी स्टोरी चेंज करके उसका रोल वापस लाया था उस सीरियल में। ओके, अमेजिंग, क्योंकि निधि जी बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग मतलब दिखी उनकी, वो मतलब ही वाज अ बोर्न एक्टर, बोर्न बहुत दिल से एक्टिंग करते थे लोग, अपने शरीर से और बाकी हिस्सों से एक्टिंग करते। इतना फिटनेस फ्रीक था, उसका फिटनेस वीडियो देखो, बिल्कुल इंटेलिजेंस तो दूसरे ही लेवल का सुशांत का था। और जो काइंड हार्टेड, कोई इंसान नहीं है जो उनसे मिले और उनसे प्रभावित ना हो। हम तो इंटेलिजेंस ऐसी थी ना कि वो बातों से मंत्रमुग्ध करना और लोगों को प्रभावित करना, और वो आजकल के जनरेशन के लिए एक रियली एक अच्छे रोल मॉडल साबित हो सकते थे। दैट्स व्हाट, लाइक अभी जो आई थिंक जो लोग उनको डिप्रेशन थ्योरी और मैडनेस का जो बोल रहे हैं, आई थिंक जो नया जनरेशन जो बॉलीवुड में है, लाइक अभी नाम में नहीं लेना चाहूंगी बट उनका जो क्वालिफिकेशन ले लो आप, ऑफकोर्स एक्टिंग और क्वालिफिकेशन तालमेल में नहीं बोलना चाहिए, बट अगर क्वालिफिकेशन लेवल आप ले लें तो जो सुशांत का क्वालिफिकेशन है, आई थिंक वो उन लोग का कभी रीच पे था ही नहीं। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुशांत का कभी भी आप कोई भी इंटरव्यू ले लें तो वो हमेशा एस्ट्रोफिजिक्स एंड यू नो लाइक एस्ट्रोनॉमी ये सब की के बारे में, तो आई थिंक ये अभी जो बाकी जनरेशन है बॉलीवुड का, उन लोगों को आप लेके अगर आप बात करें आलिया भट्ट, वरुण धवन, ये सब लोगों का, तो इन लोग तो हमेशा ये गॉसिप और यही सब चीजों में उन लोगों का रुचि है। उन लोगों का तो कभी शायद सुशांत कभी उनके समझ में कभी आया ही नहीं होगा, तो गेट व्हाट सुशांत वाज सेइंग, तो सुशांत का विजन इतना क्लियर था कि इमेजिन कि वो अपने ड्रीम्स को 50 ड्रीम्स को डायरी में लिखे हुए थे और हर एक ड्रीम को पूरा करना उनका लक्ष्य था और उसको पूरा किए भी जा रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके सपने अधूरे रह गए, लेकिन और he was talking about the future of children, that उनका future is in coding, जो I think is very amazing कि अभी का नहीं, he was talking about future कि बच्चों लोगों को we have to talk about teaching children coding language which is the future, तो that is where it is कि अभी तो ये सारा जो अभी हम लोग बच्चे लोगों को सिखा रहे हैं this is immaterial, आप लोगों को बच्चे लोगों को कोडिंग सिखाना है विच इज द फ्यूचर। बिल्कुल सही, तो दैट इज वेयर, तो ये सब तो अभी सब कुछ बेकार है जो आप लोग अभी बच्चे लोगों को सिखा रहे, दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग। तो बाकी लोगों को ये शायद समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि सुशांत का थिंकिंग क्या है, तो आई थिंक वो तो इन लोगों के बीच में कहीं फिट ही नहीं होता था, इसीलिए ही यूज्ड टू से कि मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं थे, मैं जब बात भी करता था तो दे यूज्ड टू प्रिटेंड कि उनको मेरी बातें समझ आ रही हैं, एंड उसके बाद दे उन लोग मेरे से फिर कभी बात ही नहीं करते थे, तो उनके गिने चुने 2-3 दोस्त थे। बिल्कुल, तो उसकी वो सुशांत सिंह राजपूत की इंटेलिजेंसी को समझने के लिए नेक्स्ट जो समझने वाला पर्सन है वो भी इंटेलिजेंट होना चाहिए ना, होना चाहिए। Practice that. बिल्कुल सही, इंटेलिजेंस लेवल और नॉलेज बहुत ज्यादा हाई था, इसलिए शायद दूसरे लोगों को समझ नहीं आता था, क्योंकि आलिया भट्ट से जब पूछा गया कि हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है, मैं तो शॉक्ड हो गया, मैं बोले ये हम इनको देख के एंटरटेन होते हैं और हम इनसे सीखते हैं, अगर हम इनसे सीख रहे हैं बेसिक जनरल नॉलेज के सवाल नहीं, सवालों के जवाब नहीं आते। बिल्कुल, आप सवाल पूछो तो वो तो बोलते हैं कि प्लीज हमसे ये सब सवाल आप पूछे ही नहीं, तो बिल्कुल दे डोंट वांट टू आंसर कि हमारा आप हमसे
इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बात मत कीजिए, आप हमसे इंडिया के अभी के सिचुएशंस के बारे में बात मत कीजिए, वो तो ये सब से बिल्कुल अनजान रहना चाहते हैं। करंट अफेयर्स से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस अभी के एट प्रेजेंट क्या फैशन में चल रहा है और किसका क्या गॉसिप है, बस इसी में उनका इंटरेस्ट रहता है। एंड वो एकदम बेधड़क उनको, आप करण जौहर से पूछिए कि कौन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है आप बॉलीवुड का, तो भाई रणबीर कपूर को आप सुबह सुबह फोन करके पूछिए कि आज का गॉसिप कौन है, करीना कपूर से पूछिए, ये आप पूछिए तो करण जौहर बिल्कुल एकदम सीना ठोक के वो बोलेंगे कि आज का गॉसिप कौन आपको न्यूज सुनाएगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये सब चीज में उनकी रुचि है। और सुशांत से भी पूछिए, कितनी भी इंटरव्यूज में आज तक उसने कभी किसी के बारे में कोई गॉसिप किया, किसी के भी बारे में ही नेवर सेड सिंगल वर्ड अबाउट एनी वन इन एनी ऑफ हिज इंटरव्यूज, कभी भी नहीं। दैट डिसेंट, इतना डिसेंट। हम अपने अपने हम अगले सवाल पे पहुंचते हैं कि क्या ये मान लिया जाए कि बॉलीवुड की समाज को लेकर जो नैतिकता है, जो जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि लॉकडाउन में सोनू सूद जैसे इंसान भी बहुत बढ़ चढ़कर आगे आए और हिस्सा लिए, उम्मीद की तरह सामने आते हैं, लेकिन कई एक्टर्स जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है उन्हें देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि सामाजिक सरोकार से जो इनका कोई लेन देन है इस मामले की इंडस्ट्री में, सीनियर्स जो कि अमिताभ बच्चन कह ले, मैं तो डायरेक्ट नाम ले दे रहा हूं, अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ये इतने लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि इन सीनियर्स को सामने आके बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आया, तो मैं इस पे जानना चाहूंगा। वाणी जी प्लीज। मैं तो अब सीरियसली आलोक जी, मैं तो बॉलीवुड जब से सुशांत का हुआ है, मेरी दुर्भाग्य ये है कि 13th को मेरा बर्थडे था और 14th को ये हादसा हुआ, और उस दिन से लेके आज तक मैंने एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं देखी है। और सच मानिए अब तो मुझे बॉलीवुड मूवी क्या, मैं तो बॉलीवुड से कोई तालमेल ही नहीं रखना चाहती हूँ। मैं हार्डकोर फैन थी बॉलीवुड की, आई एम लाइक, मैंने बॉलीवुड डांस ले लीजिए, बॉलीवुड मूवीज ले लीजिए, मैंने ऑब्वियसली आई थिंक हम इंडियंस का मेन रूट होता है बॉलीवुड। अब हम इंडिया से इतने दूर होते हैं तो हमारा कनेक्शन बॉलीवुड मूवीज के थ्रू होता है, क्योंकि अब तो इंडिया आना जाना होता है नहीं तो नहीं, बट वी कनेक्ट विद थ्रू बॉलीवुड मूवीज। और ये केस एक चीज था हमारे लिए कि हम सारे लोग, ये सारे बड़े बड़े एक्टर्स के थ्रू हम लोग सोच रहे थे कि शायद इन लोग हमारा एक सपोर्ट बनेंगे, एंड एक एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट अमिताभ बच्चन जी से या अक्षय कुमार जी से या आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, जिनके इतने बड़े फैन थे सुशांत सिंह, बट एक एक ने भी एक लफ्ज नहीं बोला। इवन महेंद्र सिंह धोनी, जो जिनकी इतनी बड़ी मूवी बनाई सुशांत सिंह ने, मैं खुद ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैंने रिक्वेस्ट किया महेंद्र सिंह धोनी जी से कि आप एक लव्स बोलें उनके लिए, एक ट्वीट करें उनके लिए। एंड स्मिता पारेख जी, जो सुशांत सिंह जी की फैमिली फ्रेंड हैं, जो इतनी जगह हर जगह उनके बारे में उनकी फैमिली की तरफ से वो बोल रही हैं, उन्होंने खुद मुझे ट्वीट किया ये बोल के कि सरवानी आप महेंद्र सिंह धोनी जी से कोई उम्मीद मत रखें, वो कहीं आप नहीं वो कुछ बोलेंगे, हम सब उनको बोल बोल के हम थक गए हैं, तो आप उनसे कोई उम्मीद मत रखें। उन्होंने खुद मुझे ट्वीट किया ये बोल के कि कोई फायदा नहीं है महेंद्र सिंह धोनी जी से हाथ जोड़ के, तो मुझे बहुत खराब लगा। मैं टूट गई थी कि जिन शख्स के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा मूवी बनाया, इतना अपना एक टाइम उनके साथ बिताया, इतनी बड़ी हिट मूवी उनके ऊपर उन्होंने की, उनके जिंदगी के ऊपर, मैंने इतना एक, ऑब्वियसली धोनी को किसी
इसकी जरूरत नहीं थी, कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी. ही इज अ वेरी वेल नोन पर्सन. बट एक और ऊंचाइयों पे पहुंचाया जो भी था. बट इतना टाइम उनके साथ बिताने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एक ही जगह से आते हैं, बिहार से ही हैं महेंद्र सिंह भी और सुशांत भी और मैं भी, तो एक कनेक्शन था कि शायद यू नो कहीं ना कहीं कुछ एक बात बोलेंगे शायद धोनी, क्योंकि बीच में कुछ अफवाहें उठी थी कि धोनी जी आ रहे हैं, धोनी जी ने कुछ बात इतने दिन से कुछ बात नहीं किया किसी से, तो कुछ रूमर्स उठ रहे थे कि शायद यू नो धोनी कहीं ना कहीं अफेक्टेड थे या कुछ, तो आई वॉज फीलिंग कि कुछ होगा शायद. बट फिर जैसे ही स्मिता जी का ये ट्वीट मुझे आया पर्सनली कि यू नो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आई वॉज रियली डिवेस्टेटेड. और अब तो बॉलीवुड से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है. एंड इतने खोखले लोग हैं करके मुझे समझ में आया है कि बॉलीवुड जो हम लोग ने उनको हीरो बना के जो रखा है, आई थिंक ये हीरो कहलाने के तो लायक नहीं है कोई भी. तो क्या ये एक डर है, मतलब किससे डर रहे हैं कि, क्योंकि अमिताभ बच्चन इतने हर मामले पे बोलने वाले आदमी ना वो आए, अक्षय कुमार यहाँ बेल बॉटम की शूटिंग कर रहे थे ग्लासगो में, और एक उनसे कोई फोटो खिंचवा रहे थे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, किसी ने पूछा वो अंदर चले गए, ये मीडिया में नहीं आए क्योंकि ये कैप्चर्ड नहीं हुआ. तो मैं जानना चाहूंगा क्यों नहीं बोल रहे हैं, मतलब बाहर क्या है, डर है. आलोक ये माया नगरी है इसीलिए बोलते हैं माया नगरी. उसके अंदर क्या माया है और कोई सामने नहीं आना चाहता. अभी आई थिंक ये सिर्फ सुशांत का अभी ये डेथ इज अ बिग मिस्ट्री. आई डोंट नो कि इसके पीछे का क्या राज है. अभी इतने सारे स्पेकुलेशन, इतने सारी स्टोरीज एंड थ्योरीज हैं. आई डोंट नो माई सेल्फ, क्योंकि हर आए दिन एक नया थ्योरी उठ के हमारे सामने आता है कि इसके पीछे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, अभी ड्रग्स का आया है, ईडी है. तो वी डोंट नो आर सेल्फ्स. मेरे पास खुद इतने सारे थ्योरीज मेरे सामने हैं कि आई डोंट नो अभी मैं कितने सारे थ्योरीज को मैं सपोर्ट करूं, कितने सारे थ्योरीज को नहीं, क्योंकि हर रोज एक नया स्टोरी मेरे सामने होता है. मैं खुद इतने सारे ग्रुप्स में मैं हूँ कि मैं किसको सपोर्ट करूँ किसको नहीं सपोर्ट करूँ आई डोंट नो. तो खुद मैं भी बहुत सारे इसमें हूँ, तो मूवमेंट्स और आई एम इनटू एवरीवेयर कि जहाँ से मुझे कुछ भी सुशांत के बारे में पता चले आई एम गोइंग एवरीवेयर कि कहाँ मुझे क्या क्या मिल सके कुछ भी यू नो सुशांत के लिए. तो आई थिंक दिस इज जस्ट नॉट सुशांत्स डेथ इन हियर, देयर इज समथिंग बिग इन्वॉल्व्ड बिहाइंड. तो मुझे लगता है कि शायद ये बिग पॉलिटिशियंस जो भी हैं, जहां तक सुनने में आ रहा है, जो भी इन्वॉल्व्ड हैं, इट्स वेरी मेसी. तो आई थिंक दैट्स द फियर कि अगर इन लोग कुछ बोलेंगे तो इट्स देयर करियर. आई डोंट नो कि सबको बॉलीवुड में ही रहना है. इट्स जस्ट नॉट, आई थिंक ये सिर्फ सुशांत का ही नहीं, वी हैव सीन बॉलीवुड लाइक दिस बिफोर एज वेल. दिव्य भारती के केस में ले लीजिए, जिया खान के केस में ले लीजिए, श्रीदेवी के केस में ले लीजिए. अभी मैं दो तीन मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखा है कि इवन श्रीदेवी का केस अभी कोर्ट में है, किसी ने फाइल किया है और इट्स लाइक कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट श्रीदेवी के लाइफ को था. मैंने कुछ श्रीदेवी कहना चाहती थी जिसके लिए उनको मार दिया गया था. तो यू नेवर नो. एंड तो this is something very big which Bollywood has always been involved and wo nahi bahar usko aane dena chahti hai. So Bollywood has always been this dirty and hame kahin na kahin hum sabko ye pata hai ki Bollywood hai aisa aur iske jo connections hain with underworld and all that wo kabhi bhi wo bahar nahi aane dena chahti hain usko aur wo hamesha hi us gutter mein hamesha hi rehna chahti hain. And for that, they always keep their mouth shut. तो चाहे बच्चन हो, उनके सबका वहीं से दाना पानी आता है. तो जो I think जया बच्चन जी ने कहा है, जिस थाली में खाते हो
उस थाली को छेद मत करो, तो दैट थाली व्हाट शी मेंट वाज दिस दाऊद का जो जो भी है, दैट्स द थिंग. बिल्कुल सही बोल रही है. एंड इट्स नॉट द थाली व्हाट द ड्रग थाली, इट्स द दाऊद थाली शी मेंट. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. तो बिल्कुल. और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप जैसे बात कर रही हैं कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, तो बिल्कुल अंडरवर्ल्ड में भरत शाह से लेके आप जब पिक्चर बनी थी जो डायमंड मर्चेंट थे, कितने कितने आरोप सिद्ध हुए और ये हुए. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रह गई कि अभी जो न्यूज में आ रहा है, क्या मैं गलत हो सकता हूँ शायद, क्या रिया को बेल मिल गई है? Yes, she has got the... तो वो बाहर आ चुकी है and now she is entering big boss, that's what I heard. अब क्या बोला जाए इस पे, आदमी हंसे रोए क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये यही दुनिया. और मैं निधि के वाक्य से एकदम बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हम लोग हैं जो इनको बनाते हैं. अगर हम बॉयकॉट करें तो ये कुछ नहीं हो सकता. लेकिन मैंने इतने साइन करवाए हैं सबसे. I'm getting the mail every day कि आपने जो petition forward किया है, इतने सारे लोगों ने sign किया है, but Big Boss अभी तक ban नहीं हुआ है. तो I'm really wondering कि अभी भी लोग Big Boss देख रहे हैं, and I don't know क्यों Big Boss लोग देखते हैं, जिसका कोई I don't know कोई ethics नहीं होता है वो Big Boss का. मैं पहले भी Big Boss नहीं देखती थी, it's not like कि मैंने अभी ban किया है, but मुझे वो Big Boss का कोई मुझे लगता नहीं था कि वो देखने लायक कोई शो है वो, क्योंकि लोग एक दूसरे को बस गाली गलौज करते रहते हैं उस शो में, एंड कोई वैल्यू तो होता नहीं है उस शो का. तो आई डोंट नो क्या उसमें लोगों को इंटरेस्ट होता है बिग बॉस देखने के लिए, बट या आई थिंक इट शुड बी बैंड. मैं हम लोगों ने तो पहले आपसे झूठ नहीं बोलूंगा इस और इस मंच पे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद देखता था बिग बॉस पिछले साल तक, लेकिन मैं और मेरी वाइफ ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया. वो पापा मम्मी कहते ना ये काम नहीं करना है, तो फिर बोलते इस काम में है क्या, यही काम करके देखते हैं. तो वही बात है कि हम लोग, लेकिन वाइफ और मैंने दोनों ने प्रॉपरली बॉयकॉट कर दिया. अगर हम चैनल बदलते भी हैं बिग बॉस आती तो वाइफ कहती जल्दी बदलो, मतलब मुझे अच्छा लगा कि नहीं चलो प्रॉपरली बॉयकॉट हम कर रहे हैं, हम सुशांत की मुहिम से जुड़े हुए. सिर्फ अंतिम सवाल मैं ये करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रिया सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी, डोजेस दिया करती थी या खुद लिया करते थे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपका क्या इसमें आप क्या सोचती हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आप लोग. मैं तो सोचती हूँ कि वो लिया करती थी, क्योंकि एनसीबी, देखिए एनसीबी कोई ऐसी छोटी मोटी एजेंसी तो है नहीं कि वो ऐसे ही किसी को उठा के जेल में डाल देगी. आई डोंट नो, अभी इतने सारे, मैंने उज्जवल जी का भी मैं एक प्लेटफॉर्म फॉलो करती हूँ, और उन्होंने अभी उनका मैं देख रही थी एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि उमा कुरेशी जी और फरहान अख्तर, ये सारे लोग, तापसी पन्नू, ये सारे लोग ऐसे ऐसे ट्वीट्स लिख रहे हैं कि हम सबको, फैंस को, जो भी एसएसआरियंस हैं हम लोग, वी शुड अपोलोजाइज टू रिया सेइंग कि हम बंगाल टाइग्रेस को हम लोग को अपोलोजाइज, दैट्स व्हाट आई थिंक व्हाट मानशिंदे इज कॉलिंग रिया, saying कि she is a Bengal tigress and apologize her कि हमने एक ऐसी lady को हमने defame किया है, you know कि उसको हमने इतना mental trauma उनको पहुंचाया है, रिया को, to call her a murderer and all that. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे लोग जो उनके support में tweet कर रहे हैं, ये सारे Bollywood वाले, why are they not understanding ki she has been arrested for a drug case, not for Sushant's murder. So unko murder case mein jab arrest nahi kiya gaya hai, to why should we apologize? Humne ye to nahi kaha ki usko murder case mein arrest kiya gaya hai. Usko jab drug case mein arrest kiya hai, to NCB ko definitely drug mein utna kuch पुख्ता सबूत मिला होगा रिया के खिलाफ कि उनको अरेस्ट किया गया है.
ऐसे ही तो एनसीबी उनको अरेस्ट नहीं कर लेगी। बानी, मुंबई पुलिस ने जिस लेवल पर जाकर और जितना ज्यादा रिया को और रिया के फैमिली को, भाई को और बाकी लोग जो ये नेक्सस में फंसे थे उनको प्रोटेक्ट किया है, एनसीबी ने बहुत बहुत देर से रिया को अरेस्ट किया, जो कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो सारे सबूत, सारे विटनेस, सब चीज उन्होंने जुटाए हैं, पुख्ता एक केस तैयार किया है और उस बेसिस पे रिया को अरेस्ट किया गया है। तो ये एनसीबी ने कोई जल्दीबाजी में या कोई ऐसे चलते फिरते कोई काम नहीं किया है, ये प्रॉपर एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, पूरा उनके खिलाफ चैट्स हैं, जो भी उन लोगों ने कॉल हिस्ट्री, कॉल डेटा, सब कुछ उनके खिलाफ सारे सबूत मिले और, हैं। और जो ये चैट जो है ये 2016 से चल रहा है, तो ये एकदम नया कुछ रिया ने शुरू किया है ऐसा नहीं है। नहीं था, वही वो तो सुशांत से मिलने से पहले का था वो सारे चैट्स जो रिया के खिलाफ मिले हैं, और शौविक के पास आई थिंक कुछ इवन ड्रग्स भी मिले हैं उन लोगों को शायद शौविक के पास से। तो इतना सारा सबूत मिलने के बाद अभी तक शौविक ही स्टिल इन जेल। आलोक जी, आप पूछ रहे थे कि रिया इनको सुशांत जी को देती थी या नहीं ड्रग्स, तो जब चैट हिस्ट्री और ये सब सामने आया है तो जो रिया की जो मैनेजर है उन्होंने यहाँ तक बोला है कि सुशांत को, क्योंकि ये ड्रग्स पाउडर फॉर्म में होते हैं और इस तरह का होता है, जनरली इसको किसी चीज में मिला के, मतलब तब तो छुपा के दिया जा सकता है, लेकिन रिया उससे भी ज्यादा शातिर दिमाग थी, तो वो बेकरी से उसको कुकीज में और केक और कपकेक्स में लाके, ताकि वो सुशांत को ये कह के कि ये आपका डाइट फूड है या ये आपको देना जरूरी है, उस तरह भी देने की कोशिश ऐसा मतलब देखने में भी आया है, और इस तरह के सबूत भी एनसीबी को मिले हैं। वही वो हर फॉर्म में, वो हर फॉर्म थी, जिस भी फॉर्म में वो दे सकती थी, और सुशांत को भनक भी ना लगे कि ही वाज टेकिंग ड्रग्स, तो वो खुद भी ड्रग्स लेती थी उसको। और इसका सबसे सबसे बड़ा एग्जांपल या इसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि मतलब सबूत ये था कि घर के जो जितने भी हाउस हेल्प्स थे या उनसे मिलने वाले लोग थे, ये बात तो सीमा जी, आप, निधि, वाणी, आप सबने भी इंटरव्यू में देखा होगा या केस को अगर फॉलो किया तो आपने सुना होगा कि वो ज्यादातर वक्त सोते रहते थे। तो किसी चीज के सेवन के बाद ही इंसान उस तरह के मेंटल स्टेट में आता है कि उसको किसी चीज का सुध-बुध नहीं रहता है, और वो सिर्फ ऐसा इंसान जो फिजिकली इतना एक्टिव था, जो इतना ज्यादा मतलब अपने बॉडी पे ध्यान देता था, वो इंसान अगर हर वक्त लेथार्जिक सा और हर वक्त ही सुस्त सा पड़ा रहे तो उसके पीछे कोई मतलब बड़ा कारण हो ही सकता है और होना भी चाहिए। वही डेफिनेटली हाँ। और रही बात ये जो रिया के बारे में बोल रहे हैं, देखो रिया को, रिया की इंटरोगेशन किससे भी है, क्या कहते हैं, सीबीआई, एनसीबी, आई थिंक ये सुशांत सिंह राजपूत का ही शायद अभी तक जितना हमने सुना होगा मीडिया में पहला केस है जिसमें तीन तीन लोगों की टीम ने एक साथ इन लोगों का इंटरोगेशन किया है, और अगर उसको जेल में भेजा तो डेफिनेटली कोई रीजन है, सीबीआई ऐसी रॉन्ग एलिगेशन में तो उसको भेजेगी नहीं, ठीक है। रही बात बेल की, तो बेल तो हर बारी हर किसी क्रिमिनल की भी किसी पर्सनल रीजन से भी होती है, बेल का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई क्या कहते हैं क्राइम नहीं किया है, डेफिनेटली उसने क्राइम किया, उसके सारे चैट्स हैं। और ये सीमा जी, ये कंडीशनल बेल है, वही मैं कह रही हूँ कि बेल का मतलब ये नहीं है कि दिस इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, इट्स लाइक जैसे आप कह रहे हो कंडीशनल बेल किसी भी रीजन से हो सकती है, किसी फॉर एग्जांपल किसी भी क्रिमिनल का होता है, अगर उनका कुछ अपना पर्सनल फैमिली रीजन है उसको एक दिन दो दिन की बेल दी जाती है, तो बेल का मतलब ये नहीं है कि शी इज फ्री एंड शी इज फ्री फ्रॉम एवरी चार्जेस। इनफैक्ट सीमा जी, ये बोला जा रहा है, लोग अपने मतलब ये मतलब रिया से रिलेटेड बोल रहे हैं कि अच्छा ही है एक तौर से कि उनको बेल दी गई,
क्योंकि बेल पे निकलेंगी तभी तो किसी और बड़े केस में उनको फंसाया जा सकता है. फंसाया एज इन ऑब्वियसली उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और मिलेंगे ही, तो अगर वो सिर्फ जेल में ही रहेंगी तो उनको फर्दर और किसी किसी मतलब उनके क्राइम के लिए अलग से जेल में नहीं डाला जा सकता, तो निकालेंगे तभी तो किसी दूसरी जगह जेल में भेजा जाएगा. तो इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. नहीं बट मेनली मार्टिंडे जी ने ये कह के उनको निकाला है कि द मेन थिंग इज कि जो भी केस अभी सुशांत सिंह के लिए है दैट ओनली कैन बी ओवरटेकन बाय सीबीआई, तो शी कांट बी अरेस्टेड थ्रू एनसीबी. That was the legal thing which Manshinde put in front of the court. कि जो सुशांत सिंह का केस है वो सिर्फ सीबीआई ही देख सकती है करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया था ऑर्डर, तो हाउ कैन शी बी अरेस्टेड बाई एनसीबी. तो वो एक चीज के ऊपर उनको निकाला गया था करके आया है कि उनको अरेस्ट एनसीबी अरेस्ट नहीं कर सकती है, कि सारे के सारे अगर ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला है तो वो सिर्फ सीबीआई ही टेक ओवर कर सकती है. तो उस एक रीजन की वजह से उनको बेल मिली है. इसलिए यही कारण रहा है कि शौविक और बाकी लोग अभी भी जेल में हैं, अभी भी अंदर हैं. दीपेश और नीरज भी निकल चुके हैं क्योंकि वो भी सुशांत के इसमें थे केस में. शौविक एक ही अंदर है और बाकी तीनों, इवन मिरांडा भी बाहर निकल चुका है, उसको भी बेल मिल चुकी है और सिर्फ शौविक अंदर है. ओके. तो ये चारों इसीलिए बाहर है क्योंकि ऑल फोर ऑफ देम आर इंक्लूडेड विद सुशांत केस. बहुत बढ़िया वाणी जी, बहुत बढ़िया चंदा जी, बहुत बढ़िया निधि जी, सीमा जी. अब हम शो की समाप्ति करने वाले हैं, बस एक एक लाइन मुझे जानना है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में. आप क्या सोचती हैं, सिर्फ एक एक लाइन सीमा जी. सुशांत सिंह राजपूत जब आपके मन में आते हैं तो क्या आता है आपके सामने? देखो मैं तो यही कहूंगी, मैं इतनी देर से सोच रही थी बोलने के लिए, इवन मैंने अपने फ्रेंड्स में भी डिस्कस किया है कि अभी तक कितने भी एक्टर आए, पुराने नए आए गए, जो छाप सुशांत सिंह राजपूत ने सबके दिलों में बैठा के गई वो जिंदगी में कभी भी नहीं जाएगी. एंड उसको देख के अभी भी लगता है कि ही स्टिल देयर, ही स्टिल अराउंड अस. वो लगता ही नहीं. आई मीन इट्स वेरी लाइक वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट ही इज नो मोर विद अस. बहुत बढ़िया, ही स्टिल अराउंड अस. आप चंदा जी? यही जैसे सीमा जी ने कहा है कि वो बहुत एक अमिट छाप, एक इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं, और जाते जाते भी उस इंसान ने एक कहते हैं ना एक उम्मीद की किरण लोगों में जगा दी है, और बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है. बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है. निधि? मैं ये बोलूंगी कि वी विल डेफिनेटली मिस हिम फॉरएवर. जब आ तब भी एक क्रांति लाना चाहता था, और जब वो गए हैं एक क्रांतिकारी, मैंने एक क्रांति छोड़ के गए हैं. एंड अभी एक जो टीम फॉर्म करके, वो हमेशा उनका एक हमेशा टीम एसएसआर होता था जब वो थे, एंड आई थिंक जब वो गए अभी भी एक टीम एसएसआर है जो हम सब, तो आई थिंक वी विल फाइट फॉर द जस्टिस. वी विल डेफिनेटली, वी विल गेट जस्टिस फॉर हिम. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक क्रांतिकारी थे और वी विल फाइट फॉर द जस्टिस एंड वी विल गेट द जस्टिस. मैं सुशांत के परिवार को यहाँ से विनम्र हाथों से प्रणाम करता हूँ, और महिला शक्ति जो आज हमारे शो पे आई, ये चार महिला शक्ति को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. और छोटी सी मुहिम हम यहाँ से आज शुरू की है, स्कॉटलैंड और लंदन से तो ऑलरेडी हो चुका है, और आज जिया खान की माँ भी आज शायद इस रैली में शामिल होने वाली है जहां सूत्रों से पता लगा है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आने के लिए मेरे शो पे. तहे दिल से धन्यवाद. जय हिंद.
धन्यवाद आलोक जी. थैंक यू मैडम. थैंक यू.